वेलकम टू मैथ क्लास एनल। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 62। कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 62 नंबर है ना, वो कौन सी टर्म बनेगी, कौन से नंबर पर आएगी ये टर्म। ठीक है, 62 जो है ना नंबर, कौन सी टर्म बनेगी इस सीक्वेंस की, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की, वो फाइंड करना है। ठीक है, जैसे 2 फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरह सो ऑन 62 कौन सी टर्म बनेगी। ठीक है, जो कौन से नंबर पर आएगी वो टर्म बनेगी। उसके लिए हमारे पास मेथड होता है फाइंड करने के लिए कि A1 सबसे पहले क्या है, A1 फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की जो है वो 2 है, तो A1 2 हो गया। फिर हमने जी डिफरेंस देखना है, कॉमन डिफरेंस वो क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, तो वो हमारे पास 3 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। फिर जी जनरल टर्म An जो कि है 62, वो हमारे पास गिवन है, वो राइट कर दी। अब जी फॉर्मूला हमारे पास होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, अगर आपने जनरल टर्म फाइंड करनी हो या कुछ भी फाइंड करना है इसे, तो आप ये यूज़ करोगे An इक्वल टू A1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 है और इंटू डी है। ठीक है, बस अब आपने पुट करना है, An गिवन है 62 वो पुट कर लेते हैं, A1 गिवन है 2 वो पुट कर लेते हैं, n माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा, बिकॉज हमने नंबर ही तो फाइंड करना है कि इस नंबर का कौन सा टर्म, कौन सी टर्म बनेगी है। और डी भी गिवन था 3, वो पुट कर देना इधर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सॉरी। और फिर क्या आ जाना, 3 को n से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 n आ जाना, 3 को 1 से भी करना है, 3 आ जाना, प्लस 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 माइनस माइनस, फिर क्या हो जाना, 2 में से 3 को माइनस कर देंगे तो माइनस 1 आ जाना है, प्लस माइनस होता माइनस है, साइन कौन सा आता है, जो बिगर टर्म के साथ होता है, तो बिगर टर्म 3 है, उस साथ माइनस है तो माइनस आ जाना, और प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करके 1 आ गया, प्लस 3 n इधर आ गया, इधर 62 है, फिर इधर क्या आना, 3n इधर ही रहने देते हैं, 62 इधर है, माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाना है, 62 में 1 ऐड करेंगे 63 आ जाएगा, 3n इधर ही रहेगा, n फाइंड करना है, 3 से मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 2 टाइम 6 और 3 1 टाइम, 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 इक्वल टू n है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे n इक्वल टू 21। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया जो 62 है ना, ठीक है, वो कौन से नंबर पर है, 21st टर्म में इस सीक्वेंस की। ठीक है, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की ना जो 62 है वो कौन सी टर्म है, 21st टर्म है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, इसी तरह सो ऑन, बीच में वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है, और 62 जो है ना वो कौन से नंबर पर आएगा, 21st नंबर पर। ठीक है, 21 नंबर पर 21st टर्म बनेगी 62। तो इस तरह से हम करते हैं कि A1 गिवन है वो राइट कर लिया, डिफरेंस के लिए माइनस कर दो। ठीक है, An गिवन है, और फिर हम लोगों ने जनरल टर्म गिवन है। ठीक है, हमने नंबर फाइंड करना है कि इस नंबर, ये जो नंबर है ना, ये इसकी कौन सी टर्म बनेगी, कौन सी टर्म बनेगी, तो उसके लिए आपने ये इसमें वैल्यूज पुट कर देनी, और आगे आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई है अरिथमेटिक मीन पे, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक मीन पे, मीन मीटर मॉड पे, आप चेक कर सकते हो। स्टैटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक।